गुड मॉर्निंग, दस के दमदार ट्रीट्स में आपका स्वागत है। बीरूर में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ, और आज हमारे साथ एक दमदार पैनल जुड़ेगा, आशीष बहेती और मानस जायसवाल पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन उतेकर और रुचित जैन अपने टॉप ट्रेट्स के साथ जुड़ेंगे। सचिन मौजूद हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में इस वक्त, और आशीष बहेती, मानस जायसवाल, रुचित जैन। सचिन गुड मॉर्निंग। सचिन, आपके दो कन्विक्शन आइडियाज। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अरुण जी। क्लियरली जिस तरीके से दबाव यहाँ पर नजर आ रहा है निफ्टी पे, तो यहाँ पर एक यू नो शॉर्ट प्रेफरेंस ही होना चाहिए। जहां तक निफ्टी के ट्रेंड का सवाल है, वो गैप डाउन ओपनिंग के बाद फर्दर बिल्टअप्स ऑन द शॉर्ट साइड नजर आ रहे, तो आई थिंक 19,840 के ऊपर जब तक ये स्विंग एस्टैब्लिश नहीं होता ड्यूरिंग द डे, आई थिंक तब तक निफ्टी में थोड़ा सा प्रेशर रहना ही चाहिए। ये मैं फ्यूचर्स के लेवल यहाँ पर सजेस्ट कर रहा हूँ। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 19,740 के आसपास के स्विंग्स यहाँ पर नजर आने चाहिए ड्यूरिंग द डे। एंड निफ्टी बैंक का अगर हम डेटा देखें, तो वहां पर काफी प्रयास हो रहा है 45,200 के सपोर्ट को डिफेंड होने का, बट जिस तरीके से आईसीआईसीआई बैंक में प्रेशर है, ऑन द कॉन्ट्रेरी एचडीएफसी बैंक में अच्छा सपोर्ट मिला है, तो मुझे लग रहा है निफ्टी बैंक में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बट क्लियरली एक अगर हम ट्रेंड एंड ट्रेड के पर्सपेक्टिव से देखें, तो आई थिंक निफ्टी फ्यूचर्स में कुछ शॉर्ट पोजीशंस जरूर डिप्लॉय की जा सकती है 19,840 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा लॉन्ग शॉर्ट रेशियो रख सकते हैं। ऑन द शॉर्ट साइड सिप्ला मेरे रेडार में रहा है। कल हमने डॉक्टर रेड्डी के बारे में बात की थी। सिप्ला में एक नेगेटिव क्रॉसओवर है अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस का, एंड प्लस जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था लगभग अराउंड 1230-1235 का, वो इस पर्टिकुलर स्टॉक ने तोड़ दिया है। तो 1242 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस डिप्लॉय करने की सलाह होगी सिप्ला में 1180 के टारगेट के लिए। एंड ऑन द लॉन्ग साइड कहीं जाकर यू नो मेटल्स में अगर निफ्टी मेटल का चार्ट देखे, तो वहां पर एक काफी लंबे समय से अपवर्ड्स राइजिंग चैनल यहाँ पर डिस्प्ले हुआ था। उस चैनल के सपोर्ट पे अच्छे स्विंग्स नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट काफी सारे काउंटर्स है जहां पर शॉर्ट कवरिंग का डेटा यहाँ पर नजर आ रहा है, एंड उसमें से नजर जा रही है हिंडाल्को पे। तो थोड़े से अगर डिक्लाइंस होते हैं, तो हिंडाल्को में खरीदारी की जा सकती है 483 से लेके 482 एक अच्छा आइडियल जोन होगा जहां पर लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय करने चाहिए। स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है 477 पे आपको प्लेस करना है, एंड लगभग एक से दो दिनों में अगर ये पुल बैक मच्योर हो जाता है, तो लगभग 496 के आसपास का स्विंग एक बार नजर आना चाहिए। तो यहाँ पर एक लॉन्ग शॉर्ट इक्वेशन होगा, सेल करना है आपको फार्मा में सिप्ला, एंड बाय करना है मेटल्स में से हिंडाल्को। ओके, सिप्ला और हिंडाल्को, ये दो इस समय ट्रेड्स, और हिंडाल्को पर बाय है और सिप्ला पर सेल है इस समय।